हेलो फ्रेंड, आज मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में टीवी का आईआर सेंसर बोर्ड कैसे करें जो इजी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये प्रोसेस कैसे करें। तो इसको बनाने के लिए जो जो चीज़ ज़रूरत है, आईआर सेंसर और वन रजिस्टर 1K, और एक पीएफ कैपेसिटर 104, और एक एलईडी, यही चीज जरूरत है बस। तो चलिए इसको सोल्डरिंग करते हैं पहले। तो फ्रेंड, ये जो तरीका है इसको बनाने का बहुत ही इजी तरीका। तो फिर इसको हाथों में बनाने का ज़रूरत है इसीलिए क्योंकि आप जब इसको ज़रूरत होगा तो मार्केट में खरीदने जाएंगे तो इसको आपको नहीं मिलेगा मार्केट में इसीलिए। लेकिन इसका जो पार्ट्स है वो आपको ज़रूर मिलेगा मार्केट में, जैसा पीएफ सेंसर और एलईडी। तो आप देख सकते सेम इसी प्रकार से इसको सोल्डरिंग करना होगा ऐसे ही, और उसके बाद एलईडी का जो प्लस पॉइंट है इसको यहाँ से काटना होगा। और उसको काटने के बाद यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगाना होगा 1K। सेम ऐसे। तो आप देख सकते हैं हमारा सर्किट बोर्ड तैयार हो गया कंप्लीट। तो ऐसे ही करना होगा, बहुत ही इजी तरीका है। और उसके बाद हमें ध्यान रखना होगा इसका जो कनेक्शन है वो ठीक से करना होगा, जैसा इसका 5 वोल्ट सप्लाई और ग्राउंड सप्लाई और जो इसका आउटपुट सिग्नल, इसको ठीक से कनेक्शन करना होगा। तो फ्रेंड, ये जो आईआर का सेंसर बोर्ड है वो जब ख़राब हो जाता है तो हमें मार्केट में अलग से खरीदने नहीं मिलता है, लेकिन ज़रूरत है तो क्या करें। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो को बनाया इसीलिए, जो कि ये सेंसर बोर्ड आप खुद ही कर सकते हैं घर पर ही। चलिए इसको कनेक्शन कर लेते हैं सेंसर का। तो इसको करने से पहले आपको टीवी सर्किट में देखना होगा कहाँ पर इसका सप्लाई वोल्टेज है, कौन सा पॉइंट, ये आपको ध्यान से कनेक्शन करना होगा। तो ये कनेक्शन ठीक से करने के लिए आपको टीवी सर्किट में देखना होगा कहाँ पे इसका आईआर कनेक्शन और 5 वोल्ट सप्लाई और ग्राउंड सप्लाई, ये हर किट में अलग अलग पॉइंट हो सकता है, तो आपको देख के ही कनेक्शन करना होगा ठीक से। तो मैंने देख लिया तो हमें ऐसे कर दिया आप भी, तो आप उसे देख के सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं वे काम कर रहा है क्या नहीं। तो पहले टीवी ऑन किया मैंने और उसके बाद इसको कनेक्शन करूंगा जो आईआर कनेक्शन पॉइंट है टीवी सर्किट में। तो आप देख सकते हैं टीवी का आईआर कनेक्शन यहाँ पे होता है हमारा सर्किट बोर्ड में, तो इसका कनेक्शन हो गया और आप देख सकते हैं रिमोट काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ओके, काम ठीक ठाक कर रहा है। तो इसका इसको जब ज़रूरत है आप ऐसे घर पर ही बना सकते हैं इस तरीके से, बहुत ही आसान तरीका है। तो फ्रेंड, इसको आप कोई भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, जैसा 5 वोल्ट से चलने वाला चिप मशीन है और कोई भी चीज़ हो। थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस तरह वीडियो मैं हर तरह लाता रहता हूँ।